जीव भव बंधन या भव सागर में कैसे गिर जाता है? जीव भव बंधन में अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर के, क्या जीव, आप देखो, समझो आप कि जीव किसके द्वारा, कानों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध कि या तो नासिका के द्वारा या स्पर्श के द्वारा या आँखों से देख करके या किसी के शब्द को सुन करके या स्पर्श से महसूस करके किसी न किसी प्रकार से जो ये इंद्रियां हैं ये सीधे जीव के ऊपर प्रभाव करती हैं, इच्छाएं पैदा करती हैं मन के अंदर कि ये जो इतना रस आ रहा है हम ये भोग लें, और ये जो भोग की इच्छा पैदा होती है ये इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। जब ये इंद्रियों को आकर्षित करती है मन के अंदर इच्छाएं पैदा होने लगती हैं कि मैं तो उसके साथ रहूँगा, उसके साथ ऐसा करूँगा, ये भोजन करूँगा, उसका स्पर्श अच्छा है, उसका स्पर्श अच्छा नहीं है, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें सांसारिक आपके ऊपर इफेक्ट करने लगती हैं चारों तरफ से, और आपके मन के अंदर ये इंद्रियां संदेश भेजने लगती हैं कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं। तो मन इंद्रियों को आदेश देता है, अगर इंद्रियां पकड़ में है, मन पकड़ में है, तो साधना का की ओर मुड़ जाओगे, अगर मन पकड़ में नहीं है तो भोग की ओर मुड़ जाओगे, और जब भोग की इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि भोग की इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हो सकती संसार के अंदर, एक भोग पूरा होगा दूसरा शुरू होगा, एक गाना खत्म होगा दूसरा शुरू होगा, एक आवाज़ अच्छी लगेगी थोड़े दिनों बाद वो कर्कश लगने लगेगी, कड़वी लगने लगेगी, तो ये किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, और ये जितनी इच्छाएं पैदा होंगी और वो दबती जाएंगी, वो इच्छाएं दमन हो जाएगा, तो जितना दमन होगा उतना क्रोध पैदा होगा, कामनाएं पैदा होंगी, वासनाएं पैदा होंगी, इच्छाओं को दबाते जाइए काम पैदा हो जाएगा, काम से क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाएगा, मोह अगर पूरा नहीं हो पाया तो आपकी जो स्थिति है अगर पूरा हो गया तो भी और ना हो पाया तो भी आप छटपटाते रहोगे, और जितना आप छटपटाते रहोगे साधना के मार्ग से उतना ही दूर हटते चले जाओगे और संसार में फंसते चले जाओगे, और संसार को ही भव बोला गया है, संसार को ही भव सागर कहा गया है, अगर आप इसे नहीं निकल पाओगे, इन्हीं चीज़ों के अंदर फंसे रहोगे तो फिर वापस आ करके इस संसार में गिरोगे और फिर वही कार्य शुरू होंगे, बार बार इसी से जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा और जन्म मरण नहीं तोड़ पाओगे, और जब तक ये जन्म मरण नहीं टूटेगा, जन्म मरण का निवारण नहीं होगा, तब तक आप इसी भव बंधन में फंसते चले जाओगे।